लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। एनडीए को इस चुनाव में 292 सीटें मिली हैं। एनडीए गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। इस बार के रिजल्ट से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर साबित हो रहे हैं। दोनों नेता जिसके साथ जाएंगे वो पार्टी सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपना समर्थन भी दे दिया है और सरकार बनने तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही रुकेंगे। लेकिन इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से लंदन के लिए निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार कल ही एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे थे। एनडीए की मीटिंग के बाद कल ही उनका पटना वापस लौट जाने का प्लान था, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में ही रुक गए। माना जा रहा है कि लंदन जाने से पहले नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से शामिल होने वाले मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के आला नेताओं से आज बातचीत करेंगे। वहीं नीतीश कुमार के लंदन जाने की खबर के बीच तेजस्वी यादव के एक बयान से हलचल मच गई है। दरअसल जब तेजस्वी यादव से प्लेन में नीतीश कुमार के साथ बैठने और मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती है। तेजस्वी के इस बयान ने सियासी महकमे में खलबली मचा दी है। उधर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उचित समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बार इंडिया गठबंधन को चुनाव में 243 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये संभावना है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करेगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अगले मंगलवार को लंदन निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आगाज होने से पहले भी नीतीश कुमार लंदन चले गए थे। हालांकि इस बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद वो लंदन निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं, इसलिए मंत्री पद जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए दिल्ली में रुक गए हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कल से ही जेडीयू कोटे से कौन मंत्री बनेगा और कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा इसकी चर्चा हो रही है। एनडीए में शामिल अन्य घटक दलों ने भी मंत्री पद को लेकर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर ये मसला सुलझा लेना चाहते हैं। संभावना है कि लंदन दौरे से पहले नीतीश कुमार चुनाव के बाद रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में बिहार चीफ सेक्रेटरी को नीतीश कुमार अपना अधिकार देकर जाएंगे। इस साल 7 मार्च को भी नीतीश कुमार लंदन रवाना हो गए थे, तब उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी गए थे। इस बार भी माना जा रहा है कि संजय झा ही उनके साथ जा रहे हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पिछले इंग्लैंड दौरे के बीच में ही नीतीश कुमार को भारत आना पड़ा था, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम